धनबाद में एक टंकी के पास आग लगने से अफरा-तफरी मच गई, जिनमें 8 दुकानें जलकर राख हो गई। धनबाद में लगी इस आग की शुरुआत मनेटार निवासी अमरनाथ की घड़ी की दुकान से हुई। इसके बाद देखते ही देखते आग की लपटें 4 और अन्य दुकानों से होते हुए सरकारी शराब की दुकान तक पहुंच गई। शराब की दुकान के अंदर से धुआं निकलते देख भीड़ दहशत में आ गई। आग की खबर पाकर दमकल वाहन पुराना बाजार पहुंची और राहत कार्य शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद भी शराब दुकानों की आग पर काबू नहीं पाया जा सका। आग से तकरीबन 10 लाख रुपए से अधिक नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। आग के कारण जिनकी दुकानें तबाह हुई हैं, उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया। आग बुझाने पहुंची पहली दमकल वाहन का पानी खत्म होने के बाद दूसरी दमकल वाहन से आग बुझाने का काम जारी किया गया। 2:15 बजे तक कोई प्रशासनिक अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे थे। पुराना बाजार चैंबर के अध्यक्ष सोहराब खान ने बताया कि स्थानीय दुकानदारों के अनुसार एक लड़के ने रात को धमकी दी थी कि वो दुकानों को फूंक देगा। इसके बाद वो धमकी देकर चला गया था। वहीं दमकल की 9 गाड़ियां आग को काबू करने में लगी हुई थी। भैया यहाँ पे हम लोगों को सूचना मिला तो सबसे पहले आकर के हम लोग बिजली विभाग से लाइन कटवाए हैं। स्थानीय थाना से संपर्क करते हुए लॉ एंड ऑर्डर तक के संपर्क किए। लॉ एंड ऑर्डर से संपर्क किए तो जितना जल्दी हो सकता था उन्होंने व्यवस्था करवाने की कोशिश की, लेकिन मुद्दा ये बना हुआ था कि बगल में शराब वाइन की दुकान है, अगर यहाँ तक आग पकड़ लेती तो शायद पुराना बाजार का अस्तित्व ही प्रश्न चिन्ह लग जाता। जब यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ का दुकानदारों का बुरा हाल था। महिलाएं चीख पुकार कर रही थी। उनसे जब मैं उनको धाड़स देने के बाद पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कोई स्थानीय से यहीं पर गांधी रोड या गांधीनगर का रहने वाला कोई उनसे उनका झमेला हुआ था। झमेला होने के बाद उनको धमकी दे करके गया है कि तुमको छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारे दुकान में आग लगवा देंगे। आग पर काबू पाने की हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां पानी उड़ेल चुकी है और फिर वो रिफिल के लिए गई हुई है। बाकी 2 गाड़ियां अभी लगी हुई हैं आग नियंत्रण में। धनबाद से कन्हैया कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए नेशन वन के साथ। नमस्कार।